हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये स्पेक्टिकल कोबरा जो कि कुछ तो खा करके यहाँ पे बैठा हुआ है। वैसे ये एक भंगार का गोडाउन है, अभी ये जाने अनजाने यहाँ पे आ गया है। तो देखिए किस तरह मैं यहाँ से इसे रेस्क्यू करता हूँ। हाँ, दीवार चढ़ रहा है, चढ़ जाते वाला। कहाँ पे है साहब? वो देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये एक नाग लग रहा है जो कि काफी खाया पिया हुआ है। खाया है ये कुछ तो, तभी इतना फूगा फूगा दिख रहा हो। तभी बैठा भी है ना। डब्बा उब्बा है भाई? लोग इसे धामन समझ रहे थे जो कि ये बिल्कुल भी धामन सांप नहीं है। ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे इंडिया में नाग भी कहा जाता है। नॉर्मली लोग इसे नाग के नाम पर ही जानते हैं कि नाग है, बट इसे पहचानने में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्पेक्टिकल कोबरा है और इसे पहचानने में बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अगर इसे पहचानने में आपने गलती किया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि नाग की पहचान क्या होती है, किस तरह से नाग होते हैं। बहुत पुराना सांप है ये। पेट में बहुत है, इतना सांप पकड़ा होगा। पूरे होता है इधर। ये बड़ा ना बढ़िया। हाँ। खाले लाये मम्मी तो सांप लाये। थोड़ा सांप लाये। हाँ भाई। हाँ अभी टेम्पो बाहर जा रहा है, आएगा। हमसे गलती नहीं की ना। हाथ पर काम दे। काला है, बोल है। आएगा, एक घंटा लगेगा, दो घंटा लगेगा। अरे बोल पड़े ना ला। अरे भाई ना जा रही है, जो दूसरी जगह देना है। देखिए किस तरह से मैं इसे डब्बे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये डब्बे में जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सांपों को मैं जितना हो सके उतना शांति से उन्हें पकड़ूँ और सेफली उन्हें डब्बे में रखूँ या फिर यहाँ से सेफली वहाँ लेकर के जाऊँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये डब्बे में जा चुका है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे निवेदन है कि जब हम इसे लेकर के जाए रिलीज़ करने के लिए, उसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को।